हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल खाना बाय फातिमा। आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने ना कभी देखी होगी ना खाई होगी। आज मैं आपसे रूहानी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक पैन में आधा लीटर दूध लेंगे और उसे बिल्कुल उबाल आने तक हम पका लेंगे। उसके बाद हमने आधा कटोरी चाइना ग्रास को पानी में सोख करके रखा था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से जब तक हमारा चाइना ग्रास कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए इसको हम चलाते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें आधी छोटी कटोरी शक्कर ऐड करेंगे और इसे भी बिल्कुल अच्छे से चलाते जाएंगे जब तक हमारा शुगर जो है कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाते जाएंगे। अब हम इसमें हमारा फाइनल स्टेज जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड करेंगे। 1 छोटी कटोरी मैं यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे हलवे को अच्छा सा टेक्सचर और अच्छा सा कलर और फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलर बिल्कुल चेंज होकर गुलाबी कलर का हो जाता है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा दूध जो है वो चम्मच पर ऐसे कोटिंग करके ना दिखे, तब तक आपने इसको पकाते जाना है। अब हमने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड्स ले लिए थे जिसमें मैं धीरे धीरे से इसको पोर करते जाऊँगी। आराम से सारे मोल्ड में हम इसको पोर करेंगे। टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ताशियो क्रम्ब लिया हुआ है। आप चाहे तो कोई और भी टॉपिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, या ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है एंड यू कैन सर्व दिस। थैंक यू सो मच हमारी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।